नमस्कार, मैं अजीत भारती। जब इनेविटेबल सामने होता है तो व्यक्ति अपने मानसिक संतुलन पर सबसे पहले हमला बोलता है। उसके कारण वो सारे कार्य करता है या जो बोलता है वो विशुद्ध मूर्खता की श्रेणी में रखा जा सकता है। उदाहरण के लिए, गाय की स्मगलिंग करता हुआ अपराधी पुलिस बैरिकेडिंग पर पकड़े जाने के भय से पुलिस अफसर के ऊपर गाड़ी चढ़ाकर उसकी हत्या का भी अपराध कर देता है। 2013-14 का वो दौर याद कीजिए जब नरेंद्र मोदी की उम्मीदवारी तय हो चुकी थी और लहर को नकारते नकारते विपक्ष के नेता तमाम प्रपंच करने लगे थे, नए झूठ गढ़े जाने लगे, प्रोपेगेंडा फैलाना चरम पर था, सांप्रदायिकता को खूब हवा दी जा रही थी, बातें फैलाई जा रही थी कि मोदी अगर आ गया तो दंगे हो जाएंगे, मुसलमानों का जीना हराम हो जाएगा, हिंदू बहुसंख्यक लोग सड़कों पर नंगी तलवारें लेकर निकलेंगे और मारकाट मच जाएगा। एक माहौल गढ़ा गया जिसमें भाजपा द्वारा कांग्रेस के निकम्मेपन और 10 सालों की लूट पर वोट मांगने पर अपने गढ़ में पड़ती दरारों को कांग्रेस ने भांप लिया था और सहयोगी दलों के साथ मिलकर प्रपंच करना शुरू किया, जिस कांग्रेस के पूरे शरीर पर देश के अधिकांश दंगों का रक्त है, जो अकेली भारतीय राजनीतिक पार्टी है जिसने एक अल्पसंख्यक समुदाय के साथ राजनीतिक संरक्षण में पेड़ गिरने और धरती हिलने के नाम पर नरसंहार किए, और वो कोर्ट द्वारा बेगुनाह साबित हो चुके व्यक्ति पर ऐसे प्रोपेगेंडा फैलाती है जैसे उसके सत्ता में आते ही हिंदू बनाम मुसलमान का दंगाई कोलोजियम बन जाएगा भारत। लेकिन बात तो वही है कि सत्ता आपको अनुभव बहुत देती है, आपको जीतने के तरीके पता होते हैं और आपको हराने का हुनर भी आ जाता है। आप खबरें पैदा कर सकते हैं, जब सामने वाला राम मंदिर और तुष्टिकरण की बात ना करे तो आप छेड़ते हैं कि अब राम मंदिर पर बात क्यों नहीं कर रहे, आप घाघ हो जाते हैं, आपके अंदर की धूर्तता आपके बच्चों तक जेनेटिकल स्तर तक पहुँच जाती है। ये घाघपना और आपका स्थापित तंत्र एक मुद्दा बनाता है जिसमें क्षेत्रीय पार्टियों के उदय से आपके ट्रेडिशनल अल्पसंख्यक वोट बैंक में होता छेद पर सेलोटेप मारा जा सके। ऐसे समय में डर की रचना सबसे कारगर होती है, तब आप न उनकी शिक्षा की बात करते हैं, न उनमें व्याप्त गरीबी की, न उनके आधारभूत विकास पर ध्यान देते हैं, क्योंकि उन्हें वैसा रखने में आपने बहुत परिश्रम किया है। आपने मुसलमानों को गरीब, पिछड़ा, अशिक्षित रखा क्योंकि आप उस मुद्दे के गन्ने को बोते रहे, काटते रहे और फिर चुनाव की मशीन में इतनी बार पेरा गया कि उसके सिट्ठी ही बची है। जब आप लगातार एक मानसिकता बना देते हैं कि तुम अल्पसंख्यक हो और भाजपा सांप्रदायिक है, तो उसे तीन तलाक के निरस्तीकरण से लेकर वो सारी बातें साजिश लगने लगती हैं जो उसी के विकास के लिए। फिर एक घाघ नेता और धूर्त पार्टी इस डर पर खेलना शुरू करते, पूरे समुदाय को बताया जाता है कि देखो हम चोर ही सही, हम तो तुम्हें गरीबी, लाचारी, अशिक्षा में जीने तो दे रहे हैं, वो तुम्हें काट देगा। यह डर खूब फैलाया गया ताकि अपनी लूट, भ्रष्टाचार और निकम्मेपन की बात को छुपाया जा सके, लेकिन कारपेट के भीतर कूड़ा छुपाने की एक हद होती है। कांग्रेस का स्वीपिंग अंडर द कारपेट इतना विशाल हो गया कि वो कारपेट कूड़े का पहाड़ बन गया जो सबको दिखने लगा। यह पहाड़ सबको दूर से नजर आ रहा था, फिर घाघ पार्टी के पास कोई चारा नहीं बचा। मोदी आ गया तो देश में दंगे होंगे, मोदी तो मोदी, योगी भी मुख्यमंत्री बनकर आ गया और उत्तर प्रदेश अपने प्रशासन और अपराधियों पर लगाम कसने में नई मिसाल कायम कर रहे, जहां अपराधी खुद ही जेल में सरेंडर करने पहुंच रहे हैं। योगी को लेकर भी यही आशंका जताई गई थी कि यूपी मुसलमानों के लिए रहने योग्य नहीं रहेगा और दंगे हो जाएंगे। ऐसा कुछ नहीं हुआ, दंगाइयों को सजा मिल रही है, अपराधियों को पकड़ा जा रहा है और यूपी सरकार बेहतरी की ओर लगातार बढ़ती जा रही है। मोदी पूर्ण बहुमत की सरकार लेकर आ गए, कुशलता से 5 सालों में जितना हो सकता था पिछली सरकारों के मुकाबले उससे ज़्यादा ही काम किया। बिजली, सड़क, स्वच्छता जैसे छोटे लेकिन जीवन बदलने वाले मुद्दों से लेकर वित्तीय समावेशन, विदेश नीति, जीडीपी, टैक्सेशन जैसे मुद्दों पर लगातार बेहतरी की है। लगातार भाजपा समर्थित पार्टियों की जीत यही बताती है कि मोदी और पार्टी की छवि सुधरी है, उन्हें स्वीकार्यता मिली है, ना कि उन्हें एक हिंदुत्ववादी सरकार की तरह देखा जा रहा है जहाँ हिंदुओं को मारकाट की खुली छूट मिली। यही कारण है कि सत्ता से दूर 44 तक सिमट चुके छोटे दलों द्वारा सीट के लिए लगातार नकारे जा रहे कांग्रेस
और उनके नेताओं को नए झूठ की ज़रूरत महसूस हो रही है। कांग्रेस के लिए दुर्भाग्य कई स्तर पर है। पहला तो यही है कि राहुल गांधी उनके पार्टी के अध्यक्ष हैं। दूसरा यह कि 5 सालों में इन्होंने जो जो मुद्दे उठाए सब फटकर हवा हो चुके हैं, चाहे वो राफेल हो या रोजगार की बात। तीसरा यह कि ये लोग अपनी योजना या विजन को लोगों तक पहुंचाने की बजाय मीम बनाकर मोदी की छवि बिगाड़ने में लगे हुए हैं, जैसे कि चुनाव मीम पे लड़ी जाएगी। चौथी बात जो इस लेख का आधा हिस्सा है वो यह है कि अब झूठ भी अपना नहीं बना पा रही ये लोग। इन्होंने कहीं सुना कि मोदी के खिलाफ कुछ कहा जा रहा है तो चोरी चोरी चुपके चुपके एक टुटपुंजिया कॉमेडियन की तरह, जो किसी कम प्रसिद्ध व्यक्ति के चुटकुले चुरा कर हिट हो जाने की फिराक में रहता है। अशोक गहलोत ने कह दिया कि अगर मोदी दोबारा आ गया तो चुनाव ही नहीं होने देगा। ये बात गहलोत की ओरिजिनैलिटी नहीं है, ये विशुद्ध चिरकुटों वाली हरकत है जो कि 70 साल के बुजुर्ग व्यक्ति को शोभा नहीं देती। इतना अनुभव गहलोत साहब कहाँ ले जाएंगे? पता नहीं चल रहा है कि ऐसे मामलों में थोड़ा दिमाग तो लगा लें कि क्या कर रहे हो भाई। हिंदू तलवार लेकर दौड़ जाएगा यही बात कह देते, कुछ मुसलमान डर के मारे आपको वोट दे देते। लेकिन ये वाली बात अब अलग स्तर पर जा चुकी है, चुनाव ही नहीं होने देगा ये कहकर शायद पूरी भारत की जनता में डर बांटना चाह रहे हैं। लेकिन कहीं है डर बैकफायर न कर जाए। वैसे भी भारत में आदमी वोट देने से पक चुका है और हर साल 5-7 इलेक्शन होते हैं। कांग्रेस के इस झूठ को सच मानकर कहीं मोदी को 60% वोट देकर अनंत काल के लिए PM न बना दे, फिर आप EVM और VVPAT हैक्ड है इसकी नौटंकी करते रहिएगा। गहलोत ने गंभीरता से अपनी बात रखते हुए कहा कि अगर मोदी दोबारा जीत जाता है तो या तो यहाँ चुनाव ही नहीं होंगे या फिर भारत में रूस या चीन जैसी स्थिति हो जाएगी। गहलोत ने आगे बताया कि मोदी चुनाव जीतने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। सही बात, चुनाव जीतने के लिए किसी भी हद तक जाने की बात कांग्रेस से बेहतर और कौन जान सकता है, चाहे राफेल को पीट पीट कर चुनाव में फर्जी मुद्दा बनाने की बात हो या फिर लगातार झूठ बोलकर जनता को तमाम मुद्दों पर बरगलाने की बात हो। कांग्रेस ने अपनी कल्पनाशीलता का खूब परिचय दिया है। एक ही बात को 77 बार बोलकर सत्य को झूठ बनाने की तकनीक भी इन्होंने अपना ली है, लेकिन इनके झूठ का खोटा सिक्का जो है चल नहीं पा रहा है। 5 साल ही सत्ता से दूर रहने पर गहलोत शायद थोड़े ढीले भी हो गए। उन्हें ये पता नहीं है कि प्रपंच को कसकर पकड़ना चाहिए ताकि लोग उनकी बातों को गंभीरता से लें। उन्होंने मोदी को पहले चुनाव नहीं होने देने की बात को लेकर घेरा, फिर अगली ही लाइन में उन्हें बॉलीवुड में होते तो अपने लटके झटके और अदाओं से देश तथा दुनिया में अलग छाप छोड़ते कहकर दांत निपोड़ दिया। वैसे 2 लाइन में गंभीरता से भाषाई और शारीरिक चिरकुटई पर उतरना कांग्रेस में ऊपर से नीचे की ओर बहता आ रहा है। इनके अध्यक्ष पहले प्यार से मोदी के गले पड़ने जाते हैं, फिर वही आंख मारे वो लड़का आंख मारे करते नजर आते हैं। कांग्रेस के एकमेव पैदाइशी मालिक राफेल जैसे गंभीर मसले पर चर्चा करने की बात करने आते हैं और उनके नुमाइंदे जो है संसद में पेपर प्लेन उड़ाने लगते हैं और गंभीरता की पूरी माचिस पर चलाकर छोड़ देते हैं। किसी भी हद तक कौन जा रहा है ये जनता को दिखता है। प्रपंच के नए कीर्तिमान कांग्रेस रच रही है। अल्पसंख्यकों में डर फैलाने की बातें कांग्रेस कर रही है। भाषाई मर्यादाओं को कांग्रेस तोड़ रही है। लगातार छोटे दलों के पीछे समर्थन देने की बात कांग्रेस कर रही है। क्षेत्रीय दलों द्वारा 2 और 5 सीटें लो या निकल लो टाइप की धमकियां झेल कर भी कुछ न कह पाने के लिए मजबूर कांग्रेस हो रही है। और किसी भी हद तक कौन जा सकता है? मोदी। अरे भैया, वो जा सकता है, तुम जा चुके हो। रामाधीर सिंह की कालजी पंक्ति ही बची है याद करने को, और कितना बेइज्जती कराओगे बाप का। नमस्कार।